हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्लोइबा कंपनी हायर कर रही है स्वी वॉइस प्रोसेस के लिए और नॉन वॉइस प्रोसेस के लिए। दोस्तों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं आपको कि ऑलरेडी मैंने एक कैंडिडेट को ग्लोइबा कंपनी में भेजा था स्विगी प्रोसेस के लिए, जो कि परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम प्रोफाइल के लिए कंपनी हायर कर रही थी। तो उनके टोटल जो राउंड हुए हैं वो 3 राउंड हुए हैं, मतलब फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड एंड थर्ड राउंड। फर्स्ट राउंड भी क्लियर हो गया, सेकेंड राउंड भी क्लियर हो गया, लेकिन थर्ड राउंड में जो कि AI के थ्रू इंटरव्यू यहाँ पे कंडक्ट किया गया था, मतलब आपको बैठा दिया गया और यहाँ पे एक कैमरा जो होता है लैपटॉप में वो लगा के जो है AI इंटरव्यू यहाँ पे लिया, मतलब AI के द्वारा ही इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। तो वहाँ पे AI को पास करने के लिए 100 में 65 मार्क्स जिसका आता है वो कैंडिडेट पास हो जाएंगे। तो इस कैंडिडेट का जो था उनका 44 मार्क्स आया, तो वो फेल कर गया। तो आप ये कहते हैं कि अगर आप कोलकाता से मुझे वॉच कर रहे हैं, तो मैं आपको फाइनली ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो है वर्क फ्रॉम होम की वैकेंसी आ चुकी है। मैंने ऑलरेडी ग्लोइबा पे 2-3 दिन पहले वीडियो बना चुका हूँ। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ कि अभी जो हमारे पास कंपनीज है वो 2 कंपनीज है कोलकाता लोकेशंस के लिए, जो कि मंडे के डेट में हायर करेगी। बात सुन लीजिए ध्यान से। पहली कंपनी है ग्लोइबा, स्विगी प्रोसेस के लिए हायर कर रही है, जिसमें 3 राउंड कंडक्ट किए जाएंगे। फर्स्ट राउंड होगा, सेकेंड राउंड होगा, थर्ड राउंड होगा वो AI इंटरव्यू कंडक्ट करेगा, राइट। अगर मैं दूसरी कंपनी की बात करूँ तो यहाँ पे मैक्सिकस हायर कर रही है स्विगी OMT प्रोसेस के लिए, जिनके साथ HR के साथ हमारा काफ़ी अच्छा लिंकअप है। तो वो बोले कि यहाँ पे हायरिंग स्टार्ट होने वाली है, आप मंडे से कैंडिडेट सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम जॉब सर्च कर रहे हैं, तो काइंडली जो है खासकर कोलकाता लोकेशन के लिए मैं वीडियो क्लियर बनाना चाहता हूँ, ताकि आपको किसी तरह कोई कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत सारे ऑडियंस बोलते हैं सर ये फेक वीडियो है, ये गलत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं जो वीडियो बनाता हूँ उससे पहले मैं HR से परमिशन ले लेता हूँ, या फिर HR के द्वारा मुझसे बात हो जाती है, तभी मैं वीडियो को क्रिएट करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ। तो फिलहाल जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया वो स्विगी प्रोसेस के लिए आया। स्विगी एक क्लाइंट होती है, मैं आपको दोबारा बता देना चाहता हूँ। कंपनी का नाम है ग्लोइबा, पहली कंपनी में बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या आपको क्राइटेरिया है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वैसे कैंडिडेट जिनके 12 कंप्लीट हो चुकी है, बैचलर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश फ्लुएंसी चाहिए, क्लियर सी बात है। दूसरी कंपनी है मैक्सिकस और प्रोसेस का नाम है स्विगी OMT। ये दोनों कंपनी कोलकाता लोकेशन के लिए हायर कर रही है। ग्लोइबा में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका अप्लाइंग का प्रोसेस ये है कि 1 महीना आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस करना होगा, उसके बाद परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है। और स्विगी के लिए, मैक्सिकस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट वहाँ परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम है, किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैसे कैंडिडेट जो कि मुझे कोलकाता से वॉच करे, काइंडली अप्लाई कीजिए। फिर वैकेंसीज खत्म हो जाएगी, आप कमेंट करेंगे सर मुझे आई नीड ए वर्क फ्रॉम होम जॉब, मुझे वर्क फ्रॉम होम जॉब चाहिए, तो ये होगा नहीं, फिर आपको वेट करना पड़ेगा। अभी वैकेंसीज है, अभी अप्लाई कीजिए। आज सैटरडे है, संडे के बाद मंडे आ जाएगा, तो मंडे के दिन मैं चाहता हूँ 5 से 10 कैंडिडेट कंपनी में चला जाए मेरा। मैं ये चाहता हूँ, मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि मैं व्यूज़ लूँ 200-500, ऐसा मेरा बिल्कुल मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि हमारा जो मेन पर्पस है आपका सिलेक्शन होने का। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जितना जल्दी से जल्दी अप्लाई करें वॉक इंटरव्यू, और यहाँ पे इंटरव्यू देके अपनी जॉब को कंफर्म करें वर्क फ्रॉम होम के लिए। तो फिलहाल जो मैं इस वीडियो के थ्रू ये बताया कि ग्लोइबा कंपनी हायर कर रही है स्विगी प्रोसेस के लिए, और मैक्सिकस कंपनी हायर कर रही है OMT प्रोसेस के लिए। तो वैसे कैंडिडेट जो कि अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं, हायरिंग अभी चल रही है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दिल से लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।